हेलो एवरीवन, मैं हूँ विश्वा मोदी। मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ और मेरा मिशन यह है कि मैं 10 लाख लेडीज़ को ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सिखा के उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। और मैं हर वीकली लाइव मास्टर क्लास रखती हूँ, वो लाइव होता है, टोटली फ्री होता है। वहाँ पे हम लोग सिखाते हैं कि आप अपना 60 डेज में खुद का सक्सेसफुली ज्वेलरी बिजनेस कैसे रन कर सकते हो, उसके बारे में वो लाइव होता है। और अगर वो आपको अटेंड करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रही हूँ, उसको क्लिक करिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। और वहाँ पे आप हमें लाइव मिल सकते हो और बहुत सारी बातें कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो कॉटन नेकलेस के ऊपर है, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। और ये ऑलरेडी मैंने इस टाइप का नेकलेस पहले बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन सेम डिज़ाइन मैं सिखा रही हूँ जो मैं पहले सेल करती थी। तो आपको और वीडियोस देखने हैं कॉटन नेकलेस के ऊपर या तो मेरी जो पर्सनल जो मैं ज्वेलरी सेल करती थी उसके ऊपर, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कॉटन नेकलेस, तो मैं और वीडियोस लाती रहूँगी क्योंकि उस टाइम पे मैं बीड नेकलेस और कॉटन नेकलेस ज़्यादा बनाती थी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गियर वायर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जितना नेकलेस हम बना रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको गियर वायर लेना है, हमेशा ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नेकलेस जब बनाते हैं तो कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है एंडिंग में, सो वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग डोरी को एक साइड से लॉक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लॉक बिड लेंगे। यहाँ पे गोल्डन कलर का बीड मैं ले रही हूँ। तार के अंदर, खुला तार है उसके अंदर ही हमें ये लॉक बिड डालना है इस तरह से। और पहले बीड डालना है, उसके बाद जो डोरी है वो डालनी है। और इसको हम लोग, ये जो तार है इसको हम फोल्ड करके वापस से ये जो बीड है उसके अंदर से पास करेंगे इसको इस तरह से, और इसको खींच लेंगे तो ये लॉक बीड जो है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अभी इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो लॉक बीड है उसको प्रेस करेंगे, इसको दबा देना है इस तरह से, एकदम फ्लैट कर देना है। अगर ये बीड टूट जाएगा तो, मतलब फ्लैट हो जाएगा, तो ही ये नेकलेस लॉक होगा। और एक्सेस जो तार है उसको हम कट कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का बीड लूँगी, पहले मैं इसको कट कर देती हूँ क्योंकि ये यहाँ से टर्न हो चुका है गियर वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉटन बीड डालना है, फिर से दूसरा मैं डाल रही हूँ। और ये एंटिक बीड यूज कर रही हूं मैं, फिर से कॉटन बॉल और ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोई भी पेंडेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, पेंडेंट की जगह पे हम लोग चेन का यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं फिर से कॉटन बॉल डालूंगी और यहाँ पे मैं गोल्डन कलर की चेन का यूज़ कर रही हूँ। ये गोल्डन कलर की चेन मैंने पहले से कट करके रखी है और जंप रिंग की मदद से मैंने यहाँ पे ये चार्म को हैंग किया है। आप चाहो तो गिन्नी जो आती है उसको हैंग कर सकते हो, कोई भी बेड का यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया, जैसे मैं ओरिजिनली मैं जैसे सेल करती थी वैसे ही अभी बना रही हूँ। तो फिर से मैंने ये कॉटन बॉल डाला। अभी उससे थोड़ी बड़ी साइज का, मतलब ये जो है उससे थोड़ी बड़ी साइज का गोल्डन चेन डाला, फिर से ये कॉटन बॉल, उससे थोड़ी बड़ी चेन, मतलब आपको इन शॉर्ट ध्यान रखना है कि एक चेन डालती जाना है और एक कॉटन बॉल, वैसे ही आपको प्रोसेस करनी है। और यहाँ पे सेंटर में सबसे बड़ी साइज की चेन ले रही हूँ, ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी बड़ी साइज की चेन लगानी है। और फिर से सेम प्रोसेस करनी है, मतलब साइज वाइज मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और मैं गिन्नी या जो भी है उसका मैं एक ही यहाँ पे सबसे छोटी में ही मैं गिन्नी या तो जो चार्म है उसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो हर एक चेन में कुछ कुछ ना कुछ हैंग कर सकते हो, बट मैंने जब डिज़ाइन बनाई थी तब पता नहीं क्यों मैंने सिर्फ दो ही में हैंग किया था चार्म,
तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसा मैंने बनाया था वैसा ही मैं अभी बना रही हूँ। तो आप इससे आइडिया लेके अपनी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूले, जो भी है आप मुझसे इंस्पायर होके बना रहे हो। मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो ये इतनी प्रोसेस करने के बाद इतना हैंग किया मैंने, और अभी फिर से हम यहाँ पे जो भी हमने किया है वैसे फिर से करेंगे, मतलब एंटिक पे। और यहाँ पे मैं एंटिक बीड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो पाइप जो होती है गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की, जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हो वो पाइप आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो मैंने नेकलेस जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने ये ख़त्म किया, इतना हो गया है। अभी हम यहाँ पे लॉक करेंगे नेकलेस को। तो उसके लिए मैं फिर से लॉक बीड डालूँगी। ये लॉक बिट डाला और इसके अंदर मैं तार के अंदर ये डोरी को डाल दूंगी और इसको टर्न करूंगी, और फिर से हम लोग जो लॉक बिट है उसमें से पास करेंगे। और ये जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको पकड़ेंगे पकड़ की हेल्प से, या हाथ की हेल्प से। डोरी को एक हाथ से पकड़ना है, दोरी को सिर्फ पकड़ना ही है, ये जो टुकड़ा है उसको खींचना है इस तरह से। तो ये खींचने के बाद ये टाइट हो जाएगा नेकलेस, प्रॉपरली खींच लीजिए और यहाँ पे इसको प्रेस कर देना है इस तरह से, और एक्सेस पार्ट को कट करना है। तो ये जो नेकलेस है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा खींच के टाइट किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा खींचा तो ये सारे एकदम इकट्ठे आ गए। तो अभी क्या करना है कि हमें थोड़ा गोल्डन दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा इस तरह से मूव कर देंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग वाला दिखेगा। और यहाँ पे जो कॉटन बॉल दिख रहे हो इसमें से भी धागा निकला हुआ दिख रहा है तो उसको भी हम कट कर देंगे। ये रेडीमेड ही आता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनफिनिश्ड वाला आता है, तो वो आप अपने हिसाब से फिनिशिंग वाला कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि कितना अच्छा वाला जो नेकलेस होता है वो बन के रेडी हुआ है। और ये तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो चेन में ही ये चार्म हैंग किए हैं। आप चाहो तो हर किसी में चार्म हैंग कर सकते हो। पता नहीं उस टाइम पे मैंने क्या सोच के सिर्फ दो में ही चार्म हैंग किए थे, शायद से मेरे पास चार्म ख़त्म हो गए होंगे या कुछ भी रीज़न रहा होगा, मुझे अभी याद नहीं है। बट मेरी जो डिज़ाइन थी वो सेम इसी टाइप की थी, बस ये जो बीड है वो कुछ अलग डिज़ाइन की हुआ करते थे, तो यही मैंने बनाया था। अब इसकी इयररिंग भी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि हर टाइम पर मुझे लोग बोलते हैं कि आप इयररिंग नहीं सिखाते, तो इस बार मैं इयररिंग भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आईपिन ले रही हूँ। आईपिन में आईपिन को खोलेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं चेन जो हमारी है वो मैं हैंग करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे जो मेन पेंडेंट जिसे बोला जाता है उसे पेंडेंट की जगह पे चेन का यूज़ किया है एज अ पेंडेंट, तो इसीलिए हम लोग चेन डालेंगे। एक छोटी और एक उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की चेन करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे दो चेन मैंने की है, एक छोटी और इसे थोड़ी बड़ी। अभी ये आई पिन है उसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे ये बीड डालूंगी और कॉटन बॉल जो है वो, और उसको बंद कर देंगे इस तरह से। थोड़ा ओपन रखेंगे, यहाँ पे हम लोग जो हैंगिंग आता है उसका यूज़ करेंगे, और इसको बंद कर लेंगे। और या ये हैंगिंग जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा सा यहाँ से ओपन है, तो ये इसका ध्यान रखना है, कभी कभी ओपन आता है, तो इसको भी मैं बंद कर देती हूँ। तो ये हमारी इयररिंग्स भी रेडी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये जो नेकलेस मैंने आज सिखाया है वो अच्छा लगा होगा। और डिज़ाइन से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नीचे कमेंट करना है आपको मोर कॉटन नेकलेस, तो और ज़्यादा आते रहेंगे इस टाइप के। और मेरी खुद की डिज़ाइन ही मैं सिखाऊंगी कि मैं कौन सी बनाती थी, कौन सी सेल करती थी। बेस्ट सेलिंग डिज़ाइन थी ये उस टाइम पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।